देश में कई चुनाव करीब आ रहे हैं। विधानसभा से लेकर आम चुनाव तक की तारीख नजदीक आ रही है और धर्मनिरपेक्षता की बंसी एक बार फिर से बजने लग गई है। राजनीतिक गोलबंदी इसी नाम पर तेज की जा रही है। मोदी को रोकने के लिए धुर विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अर्थशास्त्री अमृत सेन ने सभी विपक्षी दलों से एक साथ खड़े होने की अपील की है। अमृत सेन ने वामपंथी दलों से भी एकजुटता दिखाने की अपील की है। उनका कहना है कि वामपंथी भी विपक्ष में आ जाएं और सब मिलकर चुनाव लड़े और मौजूदा सरकार को रोकें। तो क्या यह पैमाना होना चाहिए या फिर मुद्दों की बात होनी चाहिए कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा सके, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े जा सके, उनकी बात क्यों नहीं हो रही? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुनीत चोपड़ा जी, आपने कहा कि इस देश में ऐसे मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं इस देश में ऐसे ही मुद्दों पर बहस होनी चाहिए जहां डिविजन और राज करो की राजनीति चलेगी, तो ऐसे मुद्दों पर बहस क्यों नहीं करेंगे? सवाल यह है कि हमारी परंपरा कुछ और है। अगर आपको जानना है तो आप जानते हैं कि केरला में सबरीमला में जो पूजा होती है उसमें ला अल्लाह इल्लल्लाह से शुरू होता है, फिर भजन आता है। इसी तरह बालाजी के मंदिर में तिरुपति में बीबी की मूर्ति है तिरुपति के पीछे, जो कि एक मुस्लिम लेडी थी जो मीराबाई की तरह भक्त थी। और इसी तरह कश्मीर मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। देश में वो मुसलमान, देश में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे उदाहरण है जहां पर सोशल फैब्रिक का एग्जांपल देखने को मिलता है, सामाजिक ताना बाना देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि समाज में कुछ गलत है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा जिन्होंने किया और डिविजन और पॉलिटिक्स किया उस पर सवाल है। आप इस पर आइए प्लीज। सबरीमला तिरुपति और ये हमारे देश की परंपरा बोल रहे थे, जो बात आप कर रहे हो हमारी परंपरा विश्वास नहीं है उस पर बात कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि भारतवर्ष में हिंदुस्तान में यहाँ के रहने वाले मूल सभी हिंदू हैं, कितनी बड़ी बात बोलते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तब आप बंटवारे की बात करते हैं। हम ये बंटवारे की बात नहीं करते, 130 करोड़ संविधान का भी आबादी भारत में है, यहाँ मूल पानी भर गया, हिंदू मंदिर खोले गए मस्जिदों में नमाज करने के लिए। ये वही केरल है जहाँ सबसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। तो सुनील चोपड़ा जी को पहले यही नहीं पता है कि सेकुलर क्या है, नॉन सेकुलर क्या है। मैं वहां जा रहा था, आप ये बताइए, अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बात कर रहे थे, अजीरुद्दीन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सारे मुस्लिम जगत ने कहा अरे वो मुसलमान है इसलिए उसको आरोप लगता है, मोदी जी ने भी बात कही। जब मौलवी पर बलात्कार का आरोप लगता है तब ये लोग उनके साथ खड़े होकर बोलते हैं क्योंकि मुसलमान है, ठीक है मैं इस पर जवाब लूंगा। लेकिन एक खबर आ रही राहुल गांधी से जुड़ी, वो ले लेते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना पर राहुल गांधी ने, एक सेकंड सर मैं आ रहा हूँ, राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा है। आरएसएस ने कहा है कि राहुल गांधी भारत को समझ नहीं पाए, आरएसएस का रिप्लाई है। तो संघ को क्या समझ पाएंगे? संघ को समझने से पहले भारत को समझे राहुल गांधी। सारी दुनिया मुस्लिम आतंकवाद से त्रस्त है, ये आरएसएस का बयान है। मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना की गई थी जिस पर आरएसएस ने पलटवार किया है, जवाब दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम ब्रदरहुड और उस मुस्लिम आतंकवाद से कितनी त्रस्त है। अगर इनकी संकल्पना उनको स्पष्ट होती तो शायद वो ये तुलना नहीं करते। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है और फिर उसमें से ध्यान में आता है, वो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अभी भारत को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो अभी भारत को नहीं समझा तो संघ नहीं समझ सकता। संघ समझने के लिए कम से कम भारत तो समझना पहले से ये आवश्यक है। ये सर्वधर्म संभाव, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब बातें उसे तभी समझ में आएंगी, और ये समझ में आएंगी तो संघ भी समझ में आ जाएगा।
तो मुझे लगता है कि जानकारियों के अभाव में ये सब तुलनाएं हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पर आप मेहताब उस्मानी से ही जवाब ले लेता हूँ और अफजल अब्बास से। हाँ, संघ को समझ, संघ कोई धर्म थोड़ी है जो उसको समझा देश को समझने की बात कही। अरे संघ कोई धर्म, उन्होंने कहा देश को समझोगे तो संघ समझोगे, ये कहा उन्होंने। हाँ, तो देश सुन में नहीं आता, बताइए वो इतने साल उन्होंने राज किया देश को बिना समझे कर रहे हैं। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रहे बिना समझे राज किया, तो संघ समझ में आएगा। अगर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिना समझे देश को आ जाएगा। देश की जनता, देश की जनता अच्छी तरह समझे। अगर किसी संस्था के बारे में कुछ राय रख रहे हैं तो बेसिकली आप उस संस्था के बारे में जानेंगे तभी तो राय रखेंगे। किसी को भी एक्स वाई जेड आप किसी के छोटी सी, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अपने आपस में समझे क्या। मैं अगर कह रहा हूँ महताब उस्मानी बहुत अच्छे इंसान है तो इसके ये कहने के लिए मुझे आपको जानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, थ्योरी की बात करो। अगर मैं अपने आप ही जान जाते हैं, किसी को उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूं मैं, भाई सुन रहे हैं आप, कैसे कह दूंगा आप अच्छे हैं बुरे। हमारे देश का दुर्भाग्य है, सुन तो लीजिए मेहताब भाई, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी ये महात्मा गांधी को एनआरआई कहते हैं, अप्रवासी भारतीय कहते हैं और अपनी इटालियन माँ को भारतीय कहते हैं। तो ये सहिष्णुता किस ओर है, ये ज्ञान किस ओर है, आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी है। और सही बात है, मतलब जो महात्मा गांधी को अप्रवासी भारतीय कह दे, एनआरआई कह दे, आप सोचिए वो विदेशी धरती पर जाके तो आप समझ सकते हैं कि उनको अभी कितना पढ़ना है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश कमान नहीं देने वाला है। इसलिए ये तो भूल जाइए कि कांग्रेस की सत्ता आएगी। और यही कारण है कि धर्म आधारित राजनीतिक दुकानें बंद हुई हैं पिछले चार वर्षों में। और होना भी यही चाहिए जी, अनुराग भदौरिया, जनता ने धर्म आधारित राजनीतिक दुकानें बंद हुई है और आपको भी अब मूर्ति और मंदिर के बारे में सोचना पड़ रहा है। अरे हमको नहीं सोचना पड़ रहा भैया, हम हिंदू है, पहले से मूर्ति की पूजा करते हैं। हम इनकी तरह वाजपेयी की तरह फर्जी हिंदू थोड़ी है कि दिखाना पड़ता है। इनको तो पता ही नहीं हिंदू के, हिंदू तो बलात्कारियों को क्यों बचाते हैं, तो हिंदू के लिए राजनीति के लिए करते हैं। ये हिंदू सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू है, बेसिकली फर्जी हिंदू है, इनको हिंदू के बारे में मालूम नहीं। बलात्कारियों को क्यों बचाते हैं, उनके लिए फांसी का प्रावधान क्यों नहीं किया आपने? सीधा जवाब दे दीजिए, क्या नाथुराम जो आपने 10 में से 8 इंस्पेक्टर रखे थानों में, अंबेडकर जी ने राष्ट्र के ध्वज का अपमान किया था। अरे भाई अंबेडकर जी को छोड़ दीजिए, वो आपकी समझ के बाहर है। आपने एक जाति के ये तिरंगा हमारा अपमान है, ये हमारा अशुभ है, ये तिरंगे को नहीं मानता। और संविधान को बोलते हैं बधुआ सोच है, जो भारत के संविधान को बधुआ सोच बोलते हो, तिरंगे का अपमान करते हो, कहां से हिंदू होंगे, कहां से हिंदुस्तानी होंगे वो। ये फर्जी है, ये चार सालों में तो इन्होंने धर्म की दुकान खोली है, ये धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, जबकि इनको हिंदू के बारे में मालूम नहीं, हिंदू के ठेकेदार बने घूमते हैं। ये वाजपेयी जी का सम्मान नहीं कर पाए चार चार साल तक, आज वाजपेयी जी के अस्थि लिए घूम रहे हैं। अरे पहले हिंदू के बारे में जानिए, ये राजनीति करने के लिए ये बीजेपी नई बीजेपी है, नई बीजेपी आपको समझ लीजिए आप बात को। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नारियों पे अत्याचार, पार्टी ये पार्टी नारियों पे अत्याचार करती है, केवल अनुराग भदौरिया जी अमर सिंह काफी तारीफ कर रहे थे, आजम खान की, मुलायम सिंह यादव की और बाकी नेताओं की। बीजेपी के रिश्तेदार होंगे कौन है, अमर सिंह, अमर सिंह कौन है जरा बता दीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। सर आज नहीं जान रहे, पांच साल पहले तो जानते थे। मुलायम सिंह यादव कौन है, मैं नहीं जानता, ऐसे 36 लोग घूमते हैं। अच्छा मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, अनुराग भदौरिया, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा किस प्रकार का स्टेटमेंट है, पहले जो इज्जत मिलती थी अब वो इज्जत नहीं मिल पा रही। सुनिए, मुसलमान कैदियों को छोड़ दिया जाए, आप ये कैसा निर्णय, कुछ और है बात, कुछ और करना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा था, चूंकि अमर सिंह ने बयान दिया था इसलिए नहीं नहीं, अमर सिंह ने धर्मनिरपेक्षता लेकर भी बयान दिया, इसलिए मैंने ये सवाल किया। निकालने का काम कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, अमर सिंह ने धर्मनिरपेक्षता को बोला कि अगर स्वाभिमान से समझौता करना है, धर्मनिरपेक्षता है, तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता मुझे नहीं चाहिए। ये आपकी पार्टी के बारे में टिप्पणी की गई थी। क्या बोला टिकाने ने, क्या बोला
सर अमर सिंह ने क्या बोला मैं आपको सुनवा देता हूँ फिर से। अमर सिंह ने चूंकि दो बातें रखी थी तो वही बात मैं आपसे पूछ रहा था। खैर अफजल अब्बास कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुनाने को पड़ी, मैं बोल रहा हूँ कमाल की बात कर रहे हैं कि आप लगातार टेलीविजन की कैद मुकर्रर की गई है। कुछ बोलने लगे ठीक है ठीक है। भदौरिया जी आ रहा हूँ, उनके बारे फिल्मों के बारे में अमर सिंह से पूछ लीजिए ठीक है। चोपड़ा जी मैं आ रहा हूं, उनको कुछ नहीं पता है। देखिए सबसे पहले एक बात ये भी ठीक है, मुसलमान जो है मुल्ला जो मुल्ला मौलवी जो भी आप लोग कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, मैं आपके एक नेशनल चैनल पे ये बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, शायद अगर वो मुसलमान होगा सच्चा मुसलमान होगा तो कोई भी मजहब का मानने वाला हो इंसान होगा, कोई मजहब रेपिस्ट है रेपिस्ट के साथ नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन जवाब दे, डिबेट ये है कि सेक्युलरिज्म का जवाब मैं दे दूं थे, कोई भी आदमी अगर रेपिस्ट है या किसी भी मजहब का माने मुसलमुल्ला हो या पंडित हो कोई भी हो, उसको मुसलमान बताने वाला नहीं ना हम ना आप, कोई भी बचाने वाला नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर इस अगर रेपिस्टों को बचाने सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या, सेक्युलरिज्म का पैमाना ये नहीं है कि अगर हम अगर आपकी बात करें आप किसी पार्टी के हो और आपको लगता है कि इनकी बात करने से आप हिंदू के विरोधी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये नहीं नहीं माफ कीजिए, ऐसा ऐसा नहीं, अगर मुसलमानों की बात करना हिंदू विरोधी है। अमर सिंह छोड़ी ना, अमर मैंने कहा कि समावेशी बात होनी चाहिए, मैंने कहा समावेशी बात होती है हिंदुओं की बात, अगर एक कमजोर तबके की बात अगर आप भाजपा के लोग कर रहे हैं तो ये इसके अच्छी बात है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का दबा घुसता है, दबा घुसता है, अगर उनके फलाह बाबूद के लिए बात इसमें इसमें सेक्युलरिज्म बात नहीं होती है। मैं बहुत दूर नहीं जाता, केरल ही जाता हूँ। 700 करोड़ रुपए के आसपास केंद्र सरकार के से मदद भेजी गई, क्या उसमें क्लॉज लगाया गया कि मुसलमानों को मत देना, हिंदुओं को मत देना, सिखों को मत देना, ईसाइयों को मत देना, ये आरएसएस के लोग, आरएसएस सुनील चोपड़ा जी आ रहा हूँ, विदेश विभाग में प्लीज आ रहा हूँ मैं आपके पास। सुनील चोपड़ा जी का विरोध करने वाले लोग ये अंग्रेजों के पीछे पीछे घूमते थे, अंग्रेजों का अंग्रेजों को इन्होंने यहाँ पे एक सेकंड अनुराग भदौरिया मैं आ रहा हूँ, सुनील चोपड़ा जी सवाल ले रहा हूँ, सुनील चोपड़ा जी करते थे सुनील चोपड़ा जी जब केंद्र सरकार से केरल को मदद भेजी गई तो क्या उसमें कोई क्लॉज लगाया गया था? गवर्नमेंट से जो मदद जाएगी उस पर ये नाम लिख के नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान ये तो खुलेआम विरोध हो गया ना, अगर आप नाम लिख के मदद देते हैं तो खुलेआम विरोध हो गया। ये पार्टी कैसे हो गई? अगर आप मदद सरकारी है, वो कोई भी सरकार करे वो नाम लिख के नहीं देगी मदद के लिए। अभी प्रूफ कीजिए आपने कश्मीर में मदद की थी, आपने कश्मीर में मदद की थी बाढ़ में, मैं कह रहा हूँ की या नहीं की थी? तो क्या नाम लिख के दिया था कि मुसलमानों के लिए? वहाँ तो हिंदू थे भी नहीं, उत्तर प्रदेश में फिर किस लिए दी थी मदद? मैं 100 रीजन गिनाऊंगा मुस्लिम तुष्टिकरण की, आप 10 रीजन गिनाइए हिंदू तुष्टिकरण के देश में।